जय हिंद दोस्तों। इस वक्त के एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। दिल्ली में येलो अलर्ट लागू होने के बाद अब स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने बैठक की। बैठक के बाद ये ऐलान किया गया कि ग्रेप लागू किया जा रहा है। ग्रेप लागू किए जाने के तहत पहला स्टेज ही येलो अलर्ट का होता है। इसके तहत तमाम चीज़ों पर पाबंदियाँ लागू हो जाती हैं। दरअसल ग्रेप को चार अंगों में बांटा गया है। यदि स्थितियाँ बिगड़ने लगती तो उसी हिसाब से येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी कर दिया जाता है। रेड अलर्ट जारी होने पर पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया जाता है। फिलहाल अभी ऐसे हालात नहीं दिख रहे हैं, लेकिन स्कूल कॉलेजों को दिल्ली सरकार ने बंद कर दिया है। यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। और महाराष्ट्र में भी स्कूल कॉलेज को बंद करने का फैसला कर दिया गया है। और चंडीगढ़ में भी स्कूल कॉलेज को बंद करने का फैसला ले लिया गया। यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, क्योंकि देश में ओमिक्रॉन का बढ़ता कहर एक बार फिर स्कूल पर ताला लगता हुआ दिख रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में भी यही हालात होंगे? क्या उत्तर प्रदेश सरकार में भी स्कूल कॉलेज को बंद करने का फैसला ले सकती है? और उत्तर प्रदेश में एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि चुनावों को रद्द किया जा सकता है, चुनावों को स्थगित किया जाता है, आगे बढ़ाई जा सकती है उनकी डेट को। तो दोस्तों, इस वक्त क्या उत्तर प्रदेश में भी स्कूल कॉलेज बंद कर देना चाहिए? आप मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।